इंड्यूस्ड ईएमएफ का पहला न्यूमेरिकल, 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल हैज 1000 टर्न्स एंड एट अ टाइम 5.5 × 10⁻⁴ वेबर ऑफ फ्लक्स पासिस थ्रू इट. 1000 टर्न्स हैं, रेजिस्टेंस गिवन है, इतना इनिशियल फ्लक्स है. इफ फ्लक्स फॉल्स टू, तो इनिशियल फ्लक्स है, ये इसका फाइनल फ्लक्स है. तो फ्लक्स गिर गया, कम हो गया. फाइंड, और कितनी देर में पॉइंट, 1 सेकेंड में, टाइम गिवन है. फाइंड ईएमएफ जनरेटेड इन द वोल्ट एंड चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन कूलम. तो एक काम करते हैं, पहले ईएमएफ निकालते हैं. ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या किया था, माइनस एन डी फाई बाय डी टी. तो हमें एन पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, फाइनल फ्लक्स पता है, इनिशियल फ्लक्स पता है, टाइम पता है. सॉल्व करके क्या जाएगी, ईएमएफ आ गई. तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई. इस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा. करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा. तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर है. सिक्स्थ क्वेश्चन में, अ कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ, तो कॉइल का एवरेज डायमीटर आपको गिवन है, इसका मतलब आपको रेडियस गिवन है, डिवाइड बाय 2 करके रेडियस आ गया. इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला. ये स्टेटमेंट बहुत बार यूज होगी इस चैप्टर में, कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है. कॉइल इज लाइंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, जीरो. क्योंकि एरिया वेक्टर बी कॉइल के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो बी और एरिया में एंगल क्या बनेगा, जीरो, याद रहेगा. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये मेंशन होगा कि कॉइल इज लाइंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया और बी में ऑटोमेटिकली एंगल जीरो. तो इस क्वेश्चन में यही गिवन है कि रेडियस गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज बाय 1000 टेस्ला, तो 6000 टेस्ला से 1000 टेस्ला हो गया. तो यानी कि B1 कितना है, 1000 टेस्ला, B2 कितना है, B1 कितना है, 6000, B2 कितना है, 1000. और ऐसा कितनी देर में हुआ, 4 सेकंड में हुआ. और ईएमएफ कितनी जनरेट हुई, 11. आपको नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं. तो आपने ये फॉर्मूला लिखा. अब प्रॉब्लम क्या, आपको फ्लक्स नहीं गिवन, आपको B गिवन है, कोई बात नहीं. फ्लक्स B की फॉर्म में क्या होता है, B इनटू एरिया. तो आप इसमें लिख सकते हैं ∅2 इज इक्वल टू B2 इनटू एरिया, ∅1 इज इक्वल टू B इनटू एरिया. और B और एरिया में एंगल हमने क्या लिया, जीरो. मैंने बताया ऐसा जीरो क्यों लिया. तो इस फॉर्मूले में आपको एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, ईएमएफ 11 गिवन है, नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं, रेडियस गिवन है, B2 गिवन है, B1 गिवन है, टाइम गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है इन टाइप की प्रॉब्लम्स में. जैसे 7th क्वेश्चन है, अ वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई उसकी 88 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज बेंट इन टू अ सर्कुलर लूप. तो आपने इसको क्या बना दिया, पहले सर्कल बना दिया, एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉइल और बी में एंगल 90 है, तो एरिया और बी में एंगल जीरो हो जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया. तो एंगल बिटवीन एरिया एंड बी जीरो. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें बी टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर की बात है. तो आपको इसमें फ्लक्स डेंसिटी बी गिवन है. विद इन 0.5 सेकेंड लूप इज चेंज इन टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले लूप की शेप क्या थी, सर्कल, अब लूप की शेप क्या है, स्क्वायर. एरिया चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी. तो आपको क्या निकालना है इसमें, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और फ्लक्स डेंसिटी पहले कितनी थी, 2.5, फ्लक्स डेंसिटी अब कितनी है, 3. यानी कि बी की पहले वैल्यू कितनी थी, 2.5, बी की अब वैल्यू कितनी है, 3. तो एक काम करते हैं, 88 सेंटीमीटर लंबी जो वायर है उसको अगर हम सर्कल में ड्रॉ करें तो 88 इज इक्वल टू 2πr. यहाँ से सर्कल का क्या आएगा, पहले रेडियस. तो सर्कल का रेडियस आ गया, तो पाई आर स्क्वायर से सर्कल का क्या आएगा, एरिया. जो स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया, लेंथ का स्क्वायर, एरिया आ गया. तो आपको एरिया A1 पता लग गया, A2 पता लग गया, B1 B2 क्वेश्चन में गिवन है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न इसमें 1 है, नंबर ऑफ टर्न गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 लेना है. तो 5 2 माइनस 51 बाय टाइम, 5 2 इज बी2 ए2, 51 इज बी1 ए1, टाइम. तो B2 पता है, B1 पता है, A2 पता है, A1 पता है, और टाइम पता है. सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें सोचना है आपने. जैसे ये क्वेश्चन है 8th, अ कॉइल ऑफ मीन एरिया. तो आपको एरिया गिवन है, हैविंग 1000 टर्न्स, एन गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना.
हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड. तो बी और कॉइल जो है आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो एरिया और बी में एंगल क्या होगा, जीरो. और फील्ड ऑफ 0.4 गॉस. द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकेंड. अब हुआ क्या, अब ऐसा हुआ कुछ कि आपका कॉइल है, कॉइल इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली गिवन है. तो एरिया में और बी में एंगल कितना है टोटल, जीरो. कॉइल को हमने पलट दिया 180 ऐसे, तो बी को तो नहीं चेंज किया, बी तो अभी भी ऊपर है, पर एरिया वेक्टर जो ऊपर था अब वो कहाँ चला गया, नीचे. तो यानी कि इनिशियली कॉइल बी और एरिया में एंगल जीरो, फाइनली बी और ए में एंगल 180. तो आपको इसमें फ्लक्स चेंज निकालेंगे आप, टाइम आपको गिवन है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है. तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, और हाँ 0.4 गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10^-4 से मल्टीप्लाई. तो इनिशियल फ्लक्स में बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स में बी ए कॉस 180. तो क्लियर है यहाँ तक, कॉस 180, कॉस 180 मैक्स में -1, तो फाइनल फ्लक्स. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें कितने गिवन है, अच्छा 1000 टर्न्स गिवन है, 1000 टर्न्स. फाइव टू कितना है, माइनस बी ए. फाइव वन कितना है, बी ए. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा अदर. तो ये आंसर आ गया. तो आपको इसमें टू पता है, एन पता है, बी पता है, एरिया पता है, टाइम पता है, इंड्यूस ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड. तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें इंड्यूस ईएमएफ की प्रॉब्लम फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है ये. नाइन्थ में सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस गिवन इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या कह रहा है इसके अंदर, वो ये बता रहा है कि आपका जो सर्कुलर कॉइल है इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ फील्ड. मतलब अगर अर्थ का फील्ड एच, अर्थ का फील्ड क्या होता है एच, ऐसा है, तो ये कॉइल इसके साथ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है. तो अगर अर्थ के फील्ड के साथ कॉइल ने 90 एंगल बनाया, तो एरिया वेक्टर ने अर्थ के फील्ड के साथ एंगल क्या बनाया, जीरो. तो इसमें बी के साथ नहीं, इसमें एच के साथ कैलकुलेशन है, या बी और एच इसमें एक ही बात है. वो कह रहा है इट इज रोटेटेड थ्रू 180, वही पुराना क्वेश्चन, बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 180. तो आपको टाइम भी गिवन है, ईएमएफ निकाल लो और करंट बताओ. और अर्थ का फील्ड वो कह रहा है बी की वैल्यू आप ले लो. तो एरिया निकाल लो सर्कुलर कॉइल का, आपको इनिशियल फ्लक्स क्या गिवन है, बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस 180. तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500, फाइनल फ्लक्स 52 पता है, इनिशियल फ्लक्स 51 पता है, टाइम पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, ईएमएफ. ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, करंट. तो लॉजिक तो हर क्वेश्चन का सेम ही है. अब ध्यान से देखो, एंगल का ही मेन प्रॉब्लम है, एंगल मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, आंसर. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखो जरा क्या क्वेश्चन है. सो बोलो एक बार लास्ट क्वेश्चन दोबारा बता दो, लैग आ गया था बीच में. इसमें गिवन है एक कॉइल का एरिया गिवन है, एक सर्कुलर कॉइल गिवन है, रेडियस गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, और प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड. तो अगर कॉइल अर्थ के फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा, जीरो. और फिर उसको 180 घुमा दिया, तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा, 180. तो इनिशियल फ्लक्स पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स बी ए कॉस 180. बस 5251 की जगह पुट करके ईएमएफ आ गई. ओके सर, थैंक यू सर. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, कॉइल जिसका एरिया कितना है ए, लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड. फिर वही चीज, प्लेन अगर बी के साथ 90 डिग्री पे है, तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा, इनिशियली जीरो. ये पॉइंट सबको समझ में आता है. अब वो क्या कह रहा है कि इन दिस पोजीशन नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द फील्ड. वो खुद ही बता रहा है कि अगर मान लो आपका जो कॉइल है बी के साथ 90 डिग्री पे है, तो प्लेन का नॉर्मल इस बी के साथ एंगल क्या बनाएगा, जीरो. प्लेन का नॉर्मल तो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा, जीरो. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस केस में अब वो क्या कह रहा है कि द कॉइल रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट कंप्लीट वन रोटेशन इन टाइम टी. तो कॉइल घूमता है और एक पूरा चक्कर टी टाइम में काटता है. अब प्रॉब्लम ये है कि बी तो बाहर की तरफ है, जब कॉइल घूमेगा इसका एरिया वेक्टर घूमेगा.
तो बी में और एरिया वेक्टर में एंगल बनेगा इसमें। क्लियर है यहां तक? ठीक, इसमें जो क्वाइल जो है वो रोटेट कर रहा है, और अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें टी टाइम ले रहा है रोटेशन में। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन क्वाइल रोटेट 0 to 90 degree। तो पहले क्वाइल 0 से 90 घूमेगा, 90 से 180 घूमेगा, 180 से 270 घूमेगा, 270 से 360 घूमेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जब 0 से 90 घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी क्या एंगल बनाएगा? 90। पहले बी और ए में एंगल 0 है, तो 90 डिग्री घूमने का मतलब टाइम टेकन कितना है? टी बाई फोर। पूरा चक्कर टी टाइम का है, तो 0 से 90 टी बाई फोर। तो क्या बनेगा? ईएमएफ इज इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या आएगी? बी ए कॉस 0। फाइनल क्या आएगा? बी ए कॉस 90, क्योंकि 0 एंगल से 90 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, टाइम टेकन कितना? टी बाई फोर। तो पुट करेंगे 5251 और टी बाई फोर, आंसर एक आंसर। फिर वो कह रहा है कि मुझे कॉइल को रोटेट करना है 90 से 180। 90 से 180 में इनिशियल बी ए कॉस 90 से बी ए कॉस 180। कॉस 90 0, इनिशियल फ्लक्स 0, फाइनल फ्लक्स माइनस बी ए, और टाइम टेकन 90 से 180 में कितना? अगेन टी बाई फोर। तो फिर पुट कर दो फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, टी बाई फोर, आंसर। फिर वो कह रहा है रोटेशन कहाँ से कहाँ तक? 180 से 270। तो इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 180, फाइनल फ्लक्स बी ए कॉस 270। मैथ्स में कॉस 180 माइनस 1 होता है, 270 0 होता है। तो फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स पुट करके डिवाइडेड बाई टी फोर, टी बाई फोर, फिर आंसर। फिर वो कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ? 270 से 360। तो इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 270 से बी ए कॉस 360। तो इन फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, टी बाई फोर, आंसर। तो कुछ भी नहीं करना आपको, फ्लक्स निकालते जाना है, इनिशियल, फाइनल, टी बाई फोर माइनस करके आंसर। तो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस। तो सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड और रेजिस्टेंस 8.5 है, चेंजेस विद टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, कैसे? ऐसे बी और टी, पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, और फिर जीरो हो रहा है। तो बी की वेरिएशन दे रहा है वो आपको। अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट इंड्यूस करंट इन द लूप एज अ एंड उसका करंट का ग्राफ भी प्लॉट करना है कि इसमें जो लूप की बात हो रही है, एक सर्कुलर लूप है, उसमें बी ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो जब उसका बी चेंज होगा सर्कुलर लूप का, तो उसमें करंट पैदा होगा, इंड्यूस करंट। उस इंड्यूस करंट का ग्राफ प्लॉट करके बताओ कि कैसा होगा। तो पहले इंड्यूस करंट कितना होगा वो देख लें। पहले इंड्यूस करंट से पहले इंड्यूस ईएमएफ देख लें कितनी है। तो इसमें कोई 5251 लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा फ्लक्स चेंज, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, इसमें बी की वेरिएशन गिवन है। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, सर्कल का एरिया निकाल दो पाई आर स्क्वायर पहले, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है? बी इंटू एरिया। एरिया इसमें सर्कल का कांस्टेंट है, क्या चीज़ चेंज हो रही है? बी। तो यहाँ पर क्या आएगा? एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को सिर्फ ये बताओ, यहीं तक नोट कर लो बस, सफिशेंट है। अगर मैं 0 और 2 सेकेंड की बात करता हूँ, डी वी बाई डी टी क्या मानी जाएगी? बी और टाइम ग्राफ की स्लोप। डी वी बाई डी टी क्या होगी? बी और टाइम ग्राफ की स्लोप। तो यहाँ से अगर मैं डी वी बाई डी टी निकालूँ तो क्या आएगी? दिस अपॉन दिस। तो ये हाइट कितनी है? 1, और ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो डी वी बाई डी टी यहाँ पर क्या आ गया? हाफ। तो एक काम करें, 0 से 2 सेकेंड में यहाँ पर हाफ पुट करके एरिया आपको पता है, ई एम एफ कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक ई एम एफ आ गई, और रेजिस्टेंस क्योंकि क्वाइल की 8.5 है, तो ईएमएफ को 8.5 से डिवाइड करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? इसमें एरिया आपने निकाल लिया,
डीवी बाई डी टी यहाँ पर कितना है स्लोप, स्लोप निकाल लो, दिस अपॉन दिस आंसर ई एम एफ आ गया। फिर इंटरवल चेंज करो दो और चार के बीच में, दो और चार के बीच में बताओ यहाँ पे डीवी बाई डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, जीरो। डीवी बाई डी टी स्लोप है और स्लोप फ्लैट लाइन की क्या होती है, कॉन्स्टेंट, जीरो। तो स्लोप यहाँ पर जीरो है तो ई एम एफ भी क्या है, जीरो। फिर यहाँ से यहाँ डी वी बाई डी टी क्या है, ये स्लोप दिस अपॉन दिस, ये कितना है वन और ये कितना है टू, वन बाई टू लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, स्लोप पॉजिटिव है, डी वी बाई डी टी पॉजिटिव है, डी वी बाई डी टी जीरो है, डी वी बाई डी टी नेगेटिव है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। तो आपने कुछ नहीं करना इसमें, आपने एरिया तो आपको पता ही है, पहले इंटरवल में डी वी बाई डी टी पॉजिटिव तो ई एम एफ आएगी नेगेटिव, करंट आएगा नेगेटिव, दूसरे इंटरवल में ई एम एफ क्या आएगी, जीरो, करंट भी क्या आएगा, जीरो, तीसरे इंटरवल में डी वी बाई डी टी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ई एम एफ आएगी पॉजिटिव और करंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्लियर है यहाँ तक, तो यही किया हुआ है यहाँ पे, देखो जीरो और टू सेकेंड के बीच में ई एम एफ निकाली, ई एम एफ को 8.5 से डिवाइड करके करंट आ गया नेगेटिव, दूसरे इंटरवल में करंट आ गया जीरो, तीसरे इंटरवल में ई एम एफ आ गई पॉजिटिव, तो करंट भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पहला करंट -2.7, जीरो 2.7, तो करंट प्लॉट करें -2.7, दो से चार सेकंड में जीरो, चार से छः सेकंड में पॉजिटिव, तो क्लियर है ग्राफ बन जाएगा। तो करंट का ग्राफ कैसे बनेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसी बेस पे आपने सारा ही काम करना है इसमें, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये सारा काम करके आना है आपने।